बनती है, इसका नाम इसलिए बना है ट्रांसफार्मर, एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफर कर दिया। हाँ अच्छा, इसका कार्य सिद्धांत क्या है? ट्रांसफार्मर म्यूचुअल इंडक्टेंस के सिद्धांत पर कार्य करता है। म्यूचुअल इंडक्टेंस का मतलब सहप्रेरण, एक जगह सप्लाई देंगे दूसरी जगह सप्लाई अपने आप निकल जाएगी, किस कारण से? सहप्रेरण के कारण से। क्या होगा हमारा सर ट्रांसफार्मर? ठीक है, ये प्राइमरी वाइंडिंग होगी, यहाँ सप्लाई दे रहे हैं तो प्राइमरी वाइंडिंग होगी, और यहाँ लोड दे रहे हैं तो सेकेंडरी वाइंडिंग होगी। ये इसका मतलब सेकेंडरी वोल्टेज, ईपी का मतलब प्राइमरी वोल्टेज, और एनवी का मतलब प्राइमरी टर्न की संख्या, और एन का मतलब सेकेंडरी टर्न की संख्या। क्लियर एनीबॉडी? अच्छा, ट्रांसफार्मर की विद्युत वाहकता समीकरण पढ़ेंगे। समीकरण क्या होता है? किसी ट्रांसफार्मर की प्रत्येक वाइंडिंग में उत्पन्न होने वाला विद्युत आवेश बल निम्न तीन कारणों पर निर्भर करता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और इसका आप नोट लगा ले, और मोस्ट लगा ले। ट्रांसफार्मर की विद्युत आवेश बल समीकरण, ट्रांसफार्मर कोर में पैदा हुआ अधिकतम फ्लक्स, ट्रांसफार्मर की कोर में पैदा हुआ अधिकतम फ्लक्स, और इसकी सप्लाई फ्रीक्वेंसी कितनी है दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट है वाइंडिंग की लंबी संख्या यानी कि टर्नों की संख्या कितनी है। तो आपका जो सूत्र बनेगा E यानी कि EMF समानुपाती phi m यानी कि ट्रांसफार्मर कोर में पैदा हुआ चुंबकीय फ्लक्स इनटू f फ्रीक्वेंसी इनटू n टर्नों की संख्या, ये आपका सूत्र बन जाएगा, जिससे आपका कोई भी सवाल इसका अलग हो जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन अपना है, टॉपिक है ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो पढ़ेंगे आप। किसी ट्रांसफार्मर के लिए सेकेंडरी वाइंडिंग की लपेट संख्या तथा प्राइमरी वाइंडिंग की लपेट संख्या का अनुपात तय कराता है ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। इसका प्रतीक क्या है? ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो का के प्रतीक क्या होता है? के, और इसका कोई मात्रक नहीं होता है। ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो का कोई मात्रक नहीं होता है, क्योंकि इसका प्रतीक होता है इसको किस तरह से ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग पर आरोपित विद्युत वाहक बल एक प्रत्यावर्ती चुंबकीय क्षेत्र पैदा करता है। क्यों करता है? क्योंकि सप्लाई कौन सी है? प्रत्यावर्ती, इसीलिए यह चुंबकीय फ्लक्स सेकेंडरी वाइंडिंग में से निकलता है, और विद्युत चुंबकीय प्रेरण सिद्धांत के अनुसार उससे विद्युत वाहक बल पैदा हो जाता है। सेकेंडरी वाइंडिंग में पैदा होने वाले विद्युत वाहक बल का मान उसकी लपेट संख्या पर निर्भर करता है, कितने टर्नों की संख्या है। यदि सेकेंडरी में प्राइमरी की अपेक्षा अधिक लपेट है तो उसके अपेक्षाकृत अधिक विद्युत वाहक बल होगा। ठीक है सुरेश, क्लियर होगा आपके पहले जो गया था, और फिर मैंने क्लियर कर दिया। जितनी लपेट संख्या बढ़ाएंगे उतना विद्युत वाहक बल बढ़ेगा। स्टेप अप ट्रांसफार्मर, इसका जो ऑप्शन दिया है कॉन्स्ट्रक्ट में आपको समझाने के लिए, स्टेप अप ट्रांसफार्मर ऐसा होता है, और यदि उसमें प्राइमरी की अपेक्षा कम लपेट है तो उसका अपेक्षाकृत कम विद्युत वाहक बल पैदा होगा, जो स्टेप कम ट्रांसफार्मर होता है। इसी प्रकार इसका सूत्र बनता है के बराबर ईएस बटे ईपी, सेकेंडरी वोल्टेज बटा प्राइमरी वोल्टेज, और जो आपका पूरा सूत्र बनेगा के बराबर ईएस बटे ईपी बराबर एनएस बटे एनपी। परंतु ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी में विकसित हुई वैद्युत शक्ति पीएस का मान प्राइमरी पर आरोपित वैद्युत शक्ति पीपी से अधिक नहीं हो सकता, सामान्यतः पीएस का मान पीपी से कम होता है, और यह आदर्श ट्रांसफार्मर कहलाता है। और आदर्श ट्रांसफार्मर को ही नहीं होता, क्योंकि शक्तियों का मान उस पल के लिए ट्रांसफार्मर पाया जाता है। टिप्पणी देखेंगे, उपरोक्त सूत्र में ट्रांसफार्मर शक्तियों का मान नगण्य माना गया है, आदर्श ट्रांसफार्मर निकालो उसमें है। उपरोक्त सूत्र में ट्रांसफार्मर शक्तियों का मान नगण्य माना गया है, अर्थात ये सूत्र आदर्श ट्रांसफार्मर के लिए है, जिस ट्रांसफार्मर में शक्तियों का मान शून्य हो। कौन सा कहलाता है? आदर्श ट्रांसफार्मर। लेकिन वस्तुत है कोई ट्रांसफार्मर आदर्श ट्रांसफार्मर नहीं होता, ये केवल एक काल्पनिक कल्पना है। ट्रांसफार्मर की इम्पीडेंस रेशियो क्या है, यह आपको पता है, आपके सामने सूत्र दिया हुआ है के बराबर ई एस अपॉन ए पी बराबर एन एस अपॉन एन पी बराबर आई पी बटे आई एस एस इक्वल टू रूट जेड एस अपॉन जेड पी। अच्छा, ई एस बटे ए पी सभी को पता है, सेकेंडरी वोल्टेज बराबर बटे प्राइमरी वोल्टेज, और एन एस बटे एन पी सेकेंडरी टर्न की संख्या बटे प्राइमरी टर्न, आई पी बटे आई एस प्रारंभिक विद्युत धारा प्राइमरी करंट बटे सेकेंडरी करंट, और जेड आपको मिल जाएगा इम्पीडेंस सेकेंडरी इम्पीडेंस बटे प्राइमरी।